देखो मान लिया कि NH3 कॉन्सेंट्रेशन ए मोल पर लीटर है, NH4Cl की बी है, ठीक है, यही बफरिंग रिएजेंट है, बेसिक बफर है, तो इसकी टोटल कॉन्सेंट्रेशन कितनी दी है? 0.3 दी है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। ओके, पहली तो बन गई, हमें सिर्फ दो ही क्वेश्चन चाहिए। अब आपको बेसिक बफर का पीएस दिया है, तो पीओएच निकाल लो कितना आएगा, 5 आएगा, क्योंकि 9 दिया है, तो पीएस तो 5 क्या हो जाएगा उसका, पीओएच हो जाएगा। क्लियर? तो 5 इज इक्वल टू पीकेबी कितना है, 4.74 प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एस बेस, सॉल्ट कितना है बी है और बेस कितना है ए। क्लियर? एक काम करो, इसको धन ले जाओ, कितना आएगा, ये आएगा, ये आएगा 0.26, क्या कहते हैं, इतना दिया है सर, 4.7 दिया है, सॉरी ये 4.7 ही है केवल, ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा, इधर आएगा 0.30 इज इक्वल टू लॉग बी अपॉन ए। इसका एंटी लॉग कितना आएगा, एस का एंटी लॉग बताओ, 2 आएगा, कितना आएगा 2, क्योंकि भाई ये क्या है 0.30, इसको कैसे लिखोगे, 10 की पावर 0 इंटू लॉग में 0.3 किसकी वैल्यू होती है, 2 की होती है, तो 2 × 10 की पावर 0 2 हो जाएगा ना, ये 2 आ गया, तो b इज इक्वल टू कितना आ गया, 2a आ गया। अब रख दो यहां पर b इज इक्वल टू 2a, तो 2a प्लस a क्या, 3a, 3a, a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0.1, a 0.1 आ गया, तो b कितना आ गया, 0.2 आ गया। हो गया क्वेश्चन, लो कुछ था क्वेश्चन में, नहीं था ना, एकदम सिंपल क्वेश्चन था, सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी को हम एस से डिनोट करते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को हम केएसपी से डिनोट करते हैं, ठीक है, सॉल्युबिलिटी को एस से डिनोट करते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को हम केएसपी से डिनोट करते हैं। क्लियर? देखो ध्यान सुनो, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है कि अगर हमें सॉल्वेंट का अमाउंट गिवन है तो उसमें हम सॉल्यूट का जितना भी अमाउंट मिला सकते हैं उसे क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। मतलब द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट या गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। समझ गए? लिखो लिखो, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजोल्व इन, दैट कैन बी डिजोल्व इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, दैट कैन बी डिजोल्व इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट एट गिवन टेम्परेचर, एट गिवन टेम्परेचर पर जितना भी अमाउंट हम सॉल्यूट का डिजोल्व कर सके सॉल्वेंट में उसे हम सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। ओके, अब जैसे मान लिया कि ये हमारा एक कंटेनर है छोटा सा, इसमें वाटर पड़ा हुआ है, ध्यान से सुनना, इसमें क्या है, वाटर, इसमें मान लिया कि 100 ml वाटर है, तो हमसे कहा गया कि 100 ml वाटर में x ग्राम NaCl डिसॉल्व होता है, कितना, x ग्राम NaCl डिसॉल्व होता है, तो भाई 200 ग्राम में कितना हो जाएगा फिर, तो जब 100 ग्राम में, 100 ml में x ग्राम NaCl डिसॉल्व होता है तो 200 ग्राम में कितना हो जाएगा, 2x ग्राम डिसॉल्व हो जाएगा, कितना, 2x ग्राम, तो 300 ग्राम में कितना होगा, 3x ग्राम डिसॉल्व हो जाएगा। आई बात समझ में? मतलब सॉल्यूशन कैसा रहेगा, सैचुरेटेड रहना चाहिए, सॉल्यूशन कैसा रहना चाहिए, सैचुरेटेड होना चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर 100 ml में x ग्राम डिसॉल्व होने की उसकी औकात है तो 100 ml में ही वो 2x नहीं डिसॉल्व हो सकता, अगर गिवन अमाउंट से ज्यादा तुम डिसॉल्व कर दोगे सॉल्यूट तो वो सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड बन जाएगा। देखो तीनों चीज समझो, एक होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब होता है कि हमें जितना सॉल्यूट दिया गया कि इतना ही भैया डिजॉल्व हो सकता है, मतलब हमसे कहा गया कि 100 ml पानी में केवल 5 ग्राम नमक घुलेगा, 6 ग्राम घोलोगे तो नहीं घुलेगा, मतलब 100 ml पानी में 5 ग्राम नमक मिलाया हमने तो डिजॉल्व हो गया, सॉल्यूशन क्या बन गया, सैचुरेटेड।
लेकिन अगर हमें पानी 100 ml ही है और हमने दिमाग अपना एक्स्ट्रा लगा दिया 10 ग्राम मिला दिया नमक, तो डिजोल्व नहीं होगा, वो बन जाएगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और अगर कम अमाउंट हमने डिजोल्व कर दिया, दिया 5 था कि भैया 5 ग्राम डालो नमक, तो आराम से घुल जाएगा, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। हमने क्या किया, थोड़ा चोरी करके रख लिया, 3 ग्राम डाल दिया, तो क्या हो गया, वो सुपर सैचुरेटेड हो गया। समझ गए, गिवन अमाउंट से ज्यादा मिला दोगे तो अनसैचुरेटेड, और गिवन अमाउंट से कम मिला दोगे तो सुपर सैचुरेटेड, और गिवन अमाउंट मिला दोगे तो सैचुरेटेड। सॉल्यूशन बताऊंगा, बहुत इजी होता है, कोई टफ टास्क नहीं बताना। क्लियर है, इसका मतलब है, अब देखो चीज समझो, अब हमें बात करें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, ये एक टाइप का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, जो केवल और केवल डिपेंड करता है किस पर, टेम्परेचर पर। ये क्या होता है, केएसपी। केएसपी इज एन टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और आप सबको पता है कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो केवल और केवल किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ओनली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, जो केवल और केवल टेम्परेचर को पे डिपेंड ही करता है। आई बात समझ में, केएसपी क्या है, एक टाइप का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जो केवल डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। क्लियर है, जैसे मान लिया कि हमारे पास एक कोई सॉल्यूट, एक कोई कंपाउंड है, जैसे ए बी टाइप ए बी है, इसकी सॉल्युबिलिटी ए बी की एस है, ये सॉलिड स्टेट में है, जब इसको पानी में डालेंगे तो पहले एक्वस में कन्वर्ट होगा, फिर अपने आयंस में ब्रेक होगा, ए प्लस बी माइनस, इसकी सॉल्युबिलिटी एस, इसकी एस, तो इसका केएसपी कितना होगा भाई, ये सॉलिड में है तो रखते नहीं, तो दिस इंटू दिस कितना हो जाएगा, एस स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, अब जैसे बात आई ए बी टू की, तो ए बी टू को ब्रेक करो, ये सॉलिड फेज में दिया है, ए प्लस टू और टू बी माइनस, ये एस, तो ये टू एस हो गया। केएसपी कितना आएगा इसका, एस इंटू टू एस का, इसका टू पावर टू जाएगा, कितना हो जाएगा, फोर एस क्यूब हो जाएगा। समझे, नेक्स्ट जैसे मान लिया ए बी थ्री दिया है, तो ब्रेक करो इसको, ए प्लस थ्री में ये सॉलिड फेज में है, और थ्री बी माइनस में, तो इसकी एस हो गई, इसकी भी एस, लेकिन यहां थ्री है तो थ्री एस लग जाएगा। इसका केएसपी कितना होगा, एस इंटू थ्री एस का क्यूब, कितना होगा, 27s की पावर 4, कितना हो जाएगा, 27s की पावर 4। नेक्स्ट, अब जैसे मान लिया ए टू बी थ्री दिया है, इसका केएसपी कितना होगा, तो ए टू बी थ्री को क्या करो, सबसे पहले डिसोसिएट करो, ए टू बी थ्री को किसमें डिसोसिएट करेंगे, टू ए प्लस थ्री में और थ्री बी टू माइनस में, ये टू एस और ये थ्री एस, केएसपी कितना आएगा इसका, टू एस की पावर 2 और थ्री एस की पावर 3, कितना होगा टोटल, 108s की पावर 5 आ जाएगा, 108s की पावर 5 आ जाएगा। बहुत इजी है, क्लियर, जल्दी से नोट करो। पूछा है आपसे कि इफ द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ Zr3PO4 का होल 4, जिरकोनियम है Zr3, इफ द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ Zr3PO4 होल 4 इज डिनोटेड बाय KSP एंड इट्स मोलर सॉल्युबिलिटी इज डिनोटेड बाय S, and its molar solubility is denoted by S, then what is the relation between KSP and S? कहने का मतलब सिंपल, KSP और S में क्या रिलेशन बताना है, इसको ब्रेक करो सबसे पहले, इसके बाद बताओ। देखो
इसकी ट्रिक बताता हूँ, दो मिनट बाद अभी है ना इसको निकालने की, बहुत शानदार ट्रिक है। ZR3PO4 का होल 4, ब्रेक करो इसको, 3ZR 4+ और 4PO4 पर 3-, ये हो गया 3S, ये हो गया 4S, तो KSP कितना आएगा, 3S की पावर 3 और 4S की पावर 4, तो ये हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा 256 S की पावर 7, ये मल्टीप्लाई कितना आ रहा है 6, जितना भी आ रहा हो देख लो। देखो एक ट्रिक समझो इसकी, ट्रिक क्या है, आपको पता होना चाहिए कि AX BY CZ इस टाइप का कोई भी कंपाउंड हो, हमें इसकी सॉल्युबिलिटी KSP निकालना हो, तो देखो शानदार ट्रिक है सुनना, KSP बराबर क्या होता है सुनो, X की पावर X, Y की पावर Y, Z की पावर Z और S की पावर X+Y+Z, याद रखना। ये क्वेश्चन था, देखो ये क्या है AX और ये पूरा B है और ये BY है, क्या होगा 3 की पावर 3, 4 की पावर 4 इंटू S की पावर 3+4, देखो कोई टेंशन। अगला देखो, ये क्वेश्चन आया था Li3 फिर Na3 AlF6 का होल ट्वाइस, इसका होल ट्वाइस, इसका KSP पूछा गया था, सिंपल है 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, 2 की पावर 2 इंटू S की पावर 36 to 8, क्यों फालतू ब्रेक करने का फंडा लगाएं, नहीं कर पाए ब्रेक तो क्या होगा, अगर वहां दिमाग ना काम किया तो क्या होगा, सिंपल लॉजिक लगाओ आंसर निकालो मल्टीप्लाई कर लो। अगला देखो MG3PO4 का होल ट्वाइस, क्या लिखोगे KSP का, 3 की पावर 3, 2 की पावर 2, S की पावर 5, बोलो ट्रिक समझ में आई है ना, आई है नहीं पड़ेगा। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, देखो सॉल्यूशन सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर कोई भी सॉल्यूशन 3 तरीके का होता है, पहला होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, एंड थर्ड वन सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मेरे बात ध्यान से सुनना, कभी भूलोगे नहीं, कभी भी क्वेश्चन में केएसपी गिवन हो हमसे पूछे कि भैया ये बताओ इस सॉल्यूशन कैसा है, तो हम QSP निकालेंगे, जैसे हम लोग इक्विलिब्रियम चैप्टर में केमिकल में KC और QC निकालते थे, KC और QC क्या था, आपको KC गिवन होता था और QC फाइंड करते थे, फिर कंपेयर करते थे कि अगर QC की वैल्यू KC से ज्यादा आ रही है तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, अगर QC KC बराबर आ रहे हैं तो क्या होगा इक्विलिब्रियम पर होंगे, और QC की वैल्यू KC से कम आएगी तो रिएक्शन किधर जाएगी, फॉरवर्ड मूव करेगी। ओके, ऐसे ही हमें कभी भी KSP को देगा, हमें से कहेगा एक ये हमारे पास एक कोई भी हमारे पास सॉल्वेंट है या इलेक्ट्रोलाइट है, इसकी सॉल्युबिलिटी इतनी है, KSP इसका इतना है, अब हमने इसमें कुछ मिला दिया ऊपर से, तो ये बताओ ये सॉल्यूशन कैसा बन गया, तो जो मिला दिया ना उसी के हेल्प से हम QSP फाइंड आउट करेंगे और फिर देखेंगे कि अगर जो KSP गिवन है और जो हमने QSP निकाला वो अगर बराबर है तो सैचुरेटेड होगा, कैसा होगा सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा, क्लियर है। दूसरा, अगर जो KSP दिया है
और जो क्यूएसपी निकाला, तो अगर क्यूएसपी की वैल्यू केएसपी से कम आ गई तो कैसा होगा? अनसेचुरेटेड होगा। और अगर क्यूएसपी की वैल्यू केएसपी से ज्यादा आ गई तो सेचुरेटेड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? अब मैं इसके एक क्वेश्चन कराऊंगा।